हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगली जो हमारी टर्म आई है, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि होमोलैप्टिक होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि इसका नाम है होमो, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। क्या आएगा, सेम, मतलब जहाँ पे भी वर्ड यूज हो रहा है होमो, होमो का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है। और लैप्टिक जो है, लैप्टिक यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लीगेंड्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीगेंड्स को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहता है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ लीगेंड होते हैं, ठीक है। यानी जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करेगी, सेम टाइप ऑफ लीगेंड से अटैच रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दोज कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड विद और सराउंडेड विद सेम टाइप ऑफ लीगेंड्स आर कॉल्ड होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि वो कंपाउंड जिनके अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो सेम टाइप, मतलब एक जैसे लीगेंड से अटैच हो या एक जैसे लीगेंड से सराउंडेड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर, तो एग्जाम्पल के अंदर हम ले सकते हैं FeCN6। और अगला जो हमारा एग्जाम्पल आएगा इसके अंदर वो आएगा, ये आ गया 3 नेगेटिव चार्ज के साथ में, और एक आएगा हमारा CONH3, ये आपका आएगा 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है। तो इन बोथ दोनों कंपाउंड्स के अंदर क्या है, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके अंदर सभी के सभी लीगेंड्स क्या हैं, एक जैसे लीगेंड। तो इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद में जो अगली हमारी टर्म आती है वो आती है हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्या आएगा, डिफरेंट। और लैप्टिक का मतलब वही है लिगेंड से, तो इससे यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है, दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स या डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसके अंदर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी कि दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कंटेन्स और इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड, आर कॉल्ड हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर देखो क्या कहता है कि दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करेगा, मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड से अटैच होता है, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड जिसके अंदर अटैच हो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ सकता है जैसे FeCN4
नेगेटिव, ठीक है, नहीं इसमें आ जाएगा आपका, हाँ ठीक है, एफ ई सी एन फोर सी एल टू थ्री नेगेटिव, ठीक है। तो इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं इनको हम कैसे टर्म करेंगे, हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, मतलब इनके अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है यानी हमारा जो आयरन सेंट्रल मेटल एटम है ये कहाँ से अटैच है, फोर तो क्या है इसके अंदर साइनाइड यानी सी एन ग्रुप अटैच है और टू क्या है क्लोरिन ग्रुप अटैच है। तो इस टाइप के जो हमारे पास कंपाउंड आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आया सभी को, क्लियर है। अब इसके बाद में हमारे पास अगली जो टर्म आती है वो आएगी होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो अगर हम बात करें होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होंगे, देखो होमो का मतलब यहाँ पे फिर वही आ गया, होमो का मतलब सेम, और न्यूक्लियर का मतलब क्या है न्यूक्लियस यानी सेंटर, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम सेंटर किसको लेके चलते हैं, आयरन को, मतलब जो भी आपकी मेटल है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर रहेगा आयरन, यानी जो हमारी सेंट्रल मेटल आइटम है वो क्या होता है इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड those coordination compounds in which only one central metal atom or ion is present are called होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। क्या कहता है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ वन सेंट्रल मेटल आइटम बन जाएगा, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है सभी को, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जो आप ऊपर वाले जो हमारे जितने भी एग्जाम्पल अभी तक हमने स्टडी किए हैं वो सारे क्या हैं, होमोन्यूक्लियर है, मतलब सभी के अंदर वन ही, मतलब सिंगल क्या है सेंट्रल मेटल एटम बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद में अगली जो हमारी टर्म आती है वो आती है हेट्रोन्यूक्लियर, सॉरी पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से हो जाएंगे, तो अगर हम बात करें पॉलीन्यूक्लियर, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मोर देन वन, तो इसके अंदर लिखेंगे कि दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कंटेन्स मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या कहता है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है वो कितनी है, मोर देन वन, यानी मोस्टली हम बात करते हैं जिसके अंदर दो सेंट्रल मेटल एटम होती है, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पॉली का मतलब एक से ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर हमारा कौन सा आ जाएगा, जैसे हमने लिया NS3 5 CO OH CO NS3 5, ठीक है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके अंदर हमारे पास दो क्या है सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। यहीं से एक डेफिनेशन और आती है हमारी, वो आती है इस OH के लिए जिसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स, क्या बोलेंगे ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो ब्रिजिंग लिगेंड्स हमारे कौन से रहेंगे, दोज लिगेंड्स विच कनेक्ट बोथ मेटल्स प्रेजेंट इन पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब
वो लिगेंड्स जो पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो दो मेटल प्रेजेंट होती है उन दोनों मेटल्स को जो जोड़ने का काम करता है उस लिगेंड या उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग ग्रुप या ब्रिजिंग लिगेंड बोलेंगे। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ, तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता होता है रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी इस ये जो यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका जो सबसे मेन टॉपिक आता हुआ था नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोई भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इनके रूल्स की। तो इसके अंदर जो सबसे पहला रूल आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो आता है आपके पास कि ऑल लेटर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर रिटन इन स्मॉल लेटर विद विदाउट एनी स्पेस। क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो भी आप नाम लिख रहे हो उसके जो सभी लेटर्स हैं सभी लेटर कैसे आएंगे, स्मॉल लेटर आएंगे। ठीक है, और विदाउट एनी स्पेस, और उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है जो कैटायंस आर रिटन फर्स्ट एज कंपेयर्ड टू एनायंस, मतलब जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आते हैं इनमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। जैसे मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो गया, कौन सा आएगा ये, इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर यहाँ पे अगर कोई कैटायन प्रेजेंट है या इधर कोई एनायन प्रेजेंट है तो इनको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, काउंटर आयन बोलेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ ये जो काउंटर आयन है इधर हमेशा कैटायन प्रेजेंट रहेगा और इधर हमेशा एनायन। तो ये कहता है जो आपका कैटायन रहेगा कैटायन को हम सबसे पहले लिखेंगे और जो एनायन रहेगा एनायन को सबसे लास्ट में लिखेंगे। समझ में आया सभी को? इसके बाद जो थर्ड हमारा जो नाम आता है वो आता है कि लिगेंड्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल जो आपके लिगेंड्स रहेंगे उनको हम हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखेंगे। ठीक है ना, यानी अल्फाबेट के अंदर जिस लिगेंड का नाम पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा और जिस लिगेंड का नाम बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर कहता है कि इफ मोर देन वन लिगेंड आर प्रेजेंट देन द सफिक प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा आर यूज बिफोर द नेम ऑफ लीग ओनली फॉर मोनोडेंटिक। इसके अंदर क्या कहता है कि अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है और वो लिगेंड कैसे है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स डाई ट्राई और टेट्रा एक्सेट्रा का यूज करेंगे बिफोर द नेम ऑफ लिगेंड। मतलब लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसके आगे क्या लगाया जाएगा, डाई ट्राई या टेट्रा लगाया जाएगा। ठीक है, अगर दो लिगेंड प्रेजेंट है तो डाई, तीन प्रेजेंट है तो ट्राई, और अगर चार लिगेंड प्रेजेंट है तो उसके लिए टेट्रा लगाएंगे। समझ में आया सभी को? लेकिन ये कब लगाना है, सिर्फ जब जब आपका लिगेंड कैसा हो, मोनोडेंटेट लिगेंड हो। और आपको पता है मोनोडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, दोज लिगेंड विच कंटेन्स ओनली वन डोनर साइट, मतलब वो लिगेंड जिनके अंदर सिर्फ एक ही डोनर साइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब अगला कहता है कि इन केस ऑफ बाई ट्राई
पॉलीडेंटेट लिगेंड, और बाईडेंटेट लिगेंड। लिगेंड 20, 23, 28 are used before the name of ligand. इसके अंदर क्या कहता है कि अगर आपके पास में बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है तो उस केस के अंदर आप क्या यूज करेंगे, 20, 30, टेट्राइस, इस टाइप से प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे डाइडेंटेट लिगेंड है तो उसके लिए 20 लगाएंगे, ट्राइडेंटेट है तो 30 लगाएंगे, इस टाइप से पॉलीडेंटेट और जो आपके डाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं इनके लिए हमेशा क्या लगेगा, 20, 30, मतलब दो है तो 20, तीन के लिए 30, चार के लिए टेट्राइस, पांच के लिए पेंटाइस, इस टाइप से हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में कहता है कंप्लीट नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फेयर इज रिटन इन वन वर्ड। इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो भी मेटल और लिगेंड प्रेजेंट है उनको हमेशा वन वर्ड के अंदर लिखेंगे, मतलब उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। समझ में आया? इसके बाद में लास्ट में कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल मेटल इज रिटन आफ्टर द नेम ऑफ लिगेंड, आफ्टर द नेम ऑफ मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज रिटन आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सॉरी लिगेंड नहीं, और आयन इन रोमन नंबर। इसमें क्या कहता है कि जब भी आप सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, काउंटर आयन का, जिसके अंदर कैटायन आएगा, उसके बाद में नाम लिखेंगे हम। देखो सबसे पहले जो हमारा नाम आएगा वो आएगा कैटायन का, कैटायन के बाद जो नाम आएगा वो आएगा फिर आपका लीगेंड्स का, किसका नाम आएगा, लीगेंड्स का। लीगेंड्स के बाद जो हम नाम लिखेंगे वो हम लिखेंगे फिर सेंट्रल मेटल एटम का, और सेंट्रल मेटल एटम के बाद में जो हमारा नाम आएगा उससे पहले आपको लगाना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन नंबर के अंदर इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, एनायंस लगाएंगे। तो इस टाइप से हम कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखेंगे, नोमन क्लेचर लिखेंगे, आईयूपीएसी नोमन क्लेचर। तो समझ में आ गया सभी को, ये थे हमारे कुछ बेसिक रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमन क्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी सेंट्रल मेटल का नेम लिखना है तो उसके लिए क्या रूल है, लीगेंड्स को हम क्या क्या, लीगेंड्स का क्या क्या नाम लिखेंगे और उनको कैसे कैसे लिखना है, एनायनिक लीगेंड्स के लिए क्या यूज करेंगे, कैटायनिक लिगेंड के लिए क्या यूज करेंगे और न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए क्या यूज करेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं जिनका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है, और ये हमने क्वेश्चन लिए हैं किस लिए, ताकि जो अभी हमने रूल स्टडी किए थे उन रूल को कैसे अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में हमें पढ़ना है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स के बारे में कि कोई भी लिगेंड उसका नाम कैसे लिखा जाएगा और क्या नाम लिखा जाएगा, और जो आपके पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएंगे उनकी नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्लस में मेटल का नाम कैसे आएगा उसके बारे में भी रूल्स स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि जो हमने रूल पढ़े थे उनको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए क्वेश्चंस है ये। उसमें सबसे पहले हमारे पास देखो कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा ये जो है ये हमारी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है जो क्या है, कोबाल्ट। उसके बाद में जो सिक्स NH3 है ये हमारे क्या रहेंगे, लिगेंड्स रहेंगे, क्या रहेंगे, लिगेंड। अब यहाँ पे कितने हैं लिगेंड, सिक्स, सिक्स के लिए हम यूज करेंगे हेक्सा,
क्या यूज करेंगे, हेक्जा। अब यहाँ पे जो NH3 होता है अमोनिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NH3 को लिखा जाता है अमाइन, क्या लिखा जाएगा अमाइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्जा अमाइन। इनके बारे में स्टडी करेंगे हम अपनी अगली आने वाली वीडियो के अंदर कि किस लिगेंड का नाम क्या आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में है हेक्जा अमाइन, तो हमने सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिख दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं आता, तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से की है, लिगेंड से स्टार्टिंग की है, एक ही है, तो हमारा जो कंपाउंड है क्या है, होमोलेप्टिक है, क्योंकि एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है सभी, तो ये क्या है, होमोलेप्टिक कंपाउंड है। आगे सभी लिगेंड्स हो गए, उसके बाद में नाम आएगा मेटल का, मेटल हमारा क्या है, कोबाल्ट। अब देखो यहाँ पे लिगेंड जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, तो जब न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं तो यहाँ पे आप मेटल का नाम एज इट इज लिखेंगे, कोबाल्ट का कोबाल्ट। लेकिन अगर यहाँ पे एनायनिक लिगेंड्स प्रेजेंट होते तो हम इसको क्या लिखते, जो आपका मेटल का नाम था उसके पीछे हम लगाते एट, क्या लगाते, ATE, 8, ठीक है, तो हो जाता कोबाल्ट 8। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लिखना है, कोबाल्ट, क्या लिखना है, कोबाल्ट। इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करना है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है यानी सेंट्रल मेटल की निकालनी है तो उसको एक्स मान लिया, प्लस यहाँ पे जो NH3 होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू, और इक्वल के इधर जो यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हमेशा इक्वल के इधर रखा जाता है, ठीक है, एनायन है, कैटायन है या न्यूट्रल है, तो यहाँ पे इक्वल के इधर हम क्या ले लेंगे, 0, तो यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे रख दिया +3, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी +3, तो यहाँ पे जो आपकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रोमन के अंदर, रोमन नंबर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा कोई भी एनायनिक काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जो कंपाउंड का नाम है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, समझ में आया। इसके बाद अगले कंपाउंड पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारी मेटल क्या है, कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट। लेकिन जो लीगेंड है वो क्या है हमारे पास में, डाइडेंटेट लीगेंड है, ईएन जो लीगेंड होता है उसको बोला जाता है इथेन 1,2-डाइअमाइन। इथेन 1,2-डाइअमाइन का फॉर्मूला होता है CH2NH2CH2NH2, इसको बोलते हैं हम इथेन 1,2-डाइअमाइन, ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो इथेन 1,2-डाइअमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे दो डोनर एटम प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और ये दोनों मेटल के साथ में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला है, डाइडेंटेट लिगेंड बोला है। तो इसके अंदर कहता है कि सबसे पहले नाम लिखेंगे डाइडेंटेट लिगेंड का, कितने हैं, 3, 3 के लिए देखो बताया था जब डाइडेंटेट लिगेंड हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रिस, क्या यूज करेंगे, ट्रिस। उसके बाद में लिखेंगे इसका नाम, इसका क्या नाम क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट इथेन 1,2-डाइअमाइन, इथेन 1,2-डाइअमाइन। अब ये बात बता दूं कि इसको इथेन 1,2-डाइअमाइन भी लिखा जाता है और इथाइलिन डाइअमाइन भी लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में जो हमारे आगे जो कंपाउंड आएंगे वो आएंगे, ट्रिस हो गया, उसके बाद में हमारा क्या आएगा, मेटल, क्योंकि लिगेंड्स एक ही था वो हमने लिख दिया। उसके बाद में मेटल, मेटल देखो एन जो होता है वो भी एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, और न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे जो आपका मेटल का नाम आएगा वो एज इट इज आएगा, कोबाल्ट, क्या आएगा, कोबाल्ट। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल की हम निकालना चाहें तो एन क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो 0 हो गया, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। उसके बाद कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारे कंपाउंड का नाम हो गया। अगले अगर कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्या है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक बात और याद रखना, इनके अंदर अगर इनके ऊपर चार्ज दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप एक चीज और यूज करेंगे, आयन, क्या यूज करेंगे, आयन। आयन किसके लिए यूज करते हैं, जब हम इसके ऊपर क्या देते हैं, चार्ज लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसको एज इट इज लिखा जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर दो लिगेंड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इथेन 1,2-डाइअमीन, ये है क्लोरो। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, डाइडेंटेट लिगेंड को लिखा जाएगा, तो डाइडेंटेट लिगेंड हमारा क्या है, 20, क्या है, 20। उसके बाद में इसको लिखेंगे इथेन 1,2-डाइअमाइन, इथेन 1,2-डाइअमाइन। उसके बाद में क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं, 2, तो इसको लिखा जाएगा डाई क्लोरिडो, क्या लिखा जाएगा, डाई क्लोरिडो। डाई क्लोरिडो के बाद में यहाँ पे आएगा मेटल, मेटल का नाम क्या है, देखो यहाँ पे दोनों सेम है,
इक्वल नंबर है तो न्यूट्रल, न्यूट्रल के लिए हम क्या लगाएंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और इसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ से देखो ये एक्स हो गया, ये जीरो हो गया, ये माइनस टू हो गया इज इक्वल टू प्लस वन, ये टू इधर जाएगा तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा आपका प्लस थ्री। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, प्लस थ्री आएगा। और उसके साथ में पॉजिटिव चार्ज है तो हम यूज करेंगे आयन, यूज करेंगे आयन। तो समझ में आ गया सभी को, तो ऐसे ही आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है और ये कमेंट में इसका नाम लिख के बताना है सभी को। तो कैसी लगी ये वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।